Good morning, student. Today we will discuss very important topic, microwave applications. Subject code EL 304, unit first, microwave. यदि हम electronics एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वह वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट डील करते हैं वह हम 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज करते हैं. तो बेसिक डिफरेंस हम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका पार्ट है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रोवेव में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल में हम लो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट है हर्ट्ज, देन हम बात करेंगे किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज. तो अभी हमने देखा कि 50 और 60 हर्ट्ज जो कि हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका यूज करते हैं. किलो हर्ट्ज यहां पे हम लिखेंगे इसको 10^3 हर्ट्ज. मेगा हर्ट्ज का मतलब है यहां पे 10^6 हर्ट्ज, और गीगा हर्ट्ज यहां हम लिखेंगे 10^9 हर्ट्ज. कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें फ्रीक्वेंसी लाई करेगी 10^6, 10^3, 10^9, तो हम टिक करेंगे 10^6 हर्ट्ज, जिसको हम मेगा फ्रीक्वेंसी रेंज में डिनोट करेंगे. नेक्स्ट जो किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसे हम वेव कहेंगे. ओके, मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इसे हम कहेंगे मिनी वेव, और जो फ्रीक्वेंसी गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में है 10^9 हर्ट्ज में है उन्हें हम कहेंगे माइक्रोवेव. ओके, तो नेक्स्ट हम माइक्रोवेव को डिस्कस करेंगे. माइक्रोवेव जिसमें फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी होगी 10^9 हर्ट्ज, दैट मींस 1 GHz टू 1000 GHz, जिसे हम लिख सकते हैं 1 GHz टू 1 THz, जो कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज करेंगे. माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी रेंज की वैल्यू होगी आपकी 1 GHz टू 1 THz. यदि हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हम जानते हैं C=f λ. C दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, f इज फ्रीक्वेंसी, एंड लेमड़ा नॉन एज वेवलेंथ. ये हो गई वेलोसिटी ऑफ
लाइट जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि माइक्रोवेव में हम फ्रीक्वेंसी रेंज यूज कर रहे हैं 1 GHz to 1 THz, दैट मीन्स 10⁹ हर्ट्ज। तो लेमड़ा की जो वैल्यू होगी, जो वेवलेंथ रेंज होगी, वो यहां पे सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में लाई करेगी। हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, लेमड़ा इक्वल्स टू सी ओपन एफ, सी की यहां वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एफ की जो वैल्यू है फॉर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में 10⁹ GHz। 10⁹ GHz लेने पे जो लेमड़ा की वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो होगी 3/10 मीटर। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे अपन और हमें ये वैल्यू मिलेगी 30 cm। तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वह है गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स 10⁹ हर्ट्ज। और यदि वेवलेंथ की बात करते हैं तो उसकी रेंज होगी आपके सेंटीमीटर से लेके मिलीमीटर के बीच में। तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज के बारे में पढ़ा। माइक्रोवेव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में किया जाता है। यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर यदि ब्लूटूथ की बात करें ये भी गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम यूज करते हैं। ओके, ब्लूटूथ जो कि इमेज, सॉन्ग्स, कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है तो हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। यदि हम देखें मिलिट्री या सिविलियन रडार एप्लीकेशन में भी हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। इसके अलावा ISM बैंड जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पस बैंड, इसमें भी हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस में हम गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं जो कि रेंज इसकी लाई करती है 10⁹ to 1000। इस फ्रीक्वेंसी रेंज को इसकी एप्लीकेशंस के आधार पे, इसके यूज के आधार पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप बैंड में डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोवेव बैंड। वन गीगाहर्ट्ज टू 100 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफरेंट डिफरेंट बैंड में हमने डिवाइड कर रखा है। इन बैंड को हमने लेटर की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया है। तो इन बैंड को हम देखते हैं, माइक्रोवेव बैंड जो कि आपके एल एस सी वी डब्ल्यू एम एम एंड डेसी एम एम में हमने इसको डिवाइड कर रखा है एप्लीकेशंस के आधार पे। हम इनकी फ्रीक्वेंसी
इन गीगाहर्ट्ज, और यहां पे हम वेवलेंथ इन सेंटीमीटर बात कर रहे हैं। तो एल बैंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, एस बैंड के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज 2 to 4 गीगाहर्ट्ज, सी के लिए सी बैंड के लिए 4 to 8 गीगाहर्ट्ज हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम एक्स माइक्रोवेव बैंड का यूज 8 to 12 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो केयू बैंड है जिसका यूज हम 12 to 18 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। के बैंड का यूज हम 18 to 27 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। के ए माइक्रोवेव बैंड का यूज हम 27 to 45 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वी डब्ल्यू एम एम एंड डेसी एम एम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो कि बैंड है, यहां तक हम जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। वी डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम एम डेसी एम एम माइक्रोवेव बैंड का यूज हम मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है। यहां हम देखेंगे 45 to 75 गीगाहर्ट्ज, डब्ल्यू बैंड का यूज हम 75 to 110 गीगाहर्ट्ज, एमएम माइक्रोवेव बैंड का यूज हम फ्रीक्वेंसी रेंज 110 to 300 गीगाहर्ट्ज, और डेसी एमएम माइक्रोवेव बैंड का यूज हम ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन 300 गीगाहर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको हमने अलग अलग बैंड में एप्लीकेशन के आधार पर अलग अलग बैंड में उसको डिवाइड कर रखा है। अब यदि हमें पूछा जाए कि पर्टिकुलर एल बैंड या कुछ भी कोई भी माइक्रोवेव बैंड के लिए रेस्पेक्टिव वेवलेंथ की वैल्यू पूछी जाए तो वेवलेंथ की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन फार्मूला सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज करेंगे, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, एफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा डिनोटेड एज वेवलेंथ। लैम्डा की वैल्यू पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं एल बैंड की जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज, इसके लिए हमें वेवलेंथ रेंज फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू होगा सी अपॉन एफ। यहां पे सी की जो वैल्यू है वो है 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय, यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो हम लेंगे 1 गीगाहर्ट्ज, यहां हम लिखेंगे 1 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज का मतलब 10^9 हर्ट्ज। लैम्डा इक्वल्स टू यहां होगा 3/10, यदि हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। तो हम यहां देख सकते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज के लिए लैम्डा की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे 2 गीगाहर्ट्ज के लिए वेवलेंथ की वैल्यू।
30। नेक्स्ट लेमड़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर 2 गीगाहर्ट्ज पर, तो सी अपॉन एफ 3 इंटू 10^8 अपॉन 2 इंटू 10^9। तो इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी 1.5 ओके डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमने एल के लिए, एल माइक्रोवेव बैंड के लिए जो फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज है उस रेंज के लिए हमने वेवलेंथ रेंज फाइंड आउट की। उसी प्रकार से हम एस सी एक्स के यू के ए डब्ल्यू वी एमएम डेसी एमएम माइक्रोवेव बैंड के लिए हम वेवलेंथ रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं।